दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। जनता की पानी की समस्याओं को लेकर के आज यहां पर एडिशनल चीफ SC और XCM की मैंने मीटिंग ली और मीटिंग में स्पष्ट उनको निर्देश दिया कि मेरे क्षेत्र के लोगों को बराबर 48 घंटे में पानी मिले। आज वार्ड 1, 2, 60, 59, 58, 55, 54 से लेकर के फैसागर रोड की कॉलोनियाँ में पानी में जनता त्राही त्राही कर रही है, जो कि 20 साल पर पानी उपलब्ध है। अतः आप तुरंत उस पानी को व्यवस्थित करके सबको 48 घंटे पानी उपलब्ध कराएं। जो हैंडपम्प खराब है उस हैंडपम्प को ठीक कराएं और जहां पाइपलाइन की लीकेज है उसको ठीक कराएं और जहां के बूस्टर की शिकायत आती है उसको आप पकड़ो और इस प्रकार जनता को पानी पूरी तरह से मिले, ये मैंने मांग रखी है। यदि ये पूरी नहीं हुई तो कुछ दिनों के बाद जनता में 144 के कारण जनता आक्रोशित है, लेकिन इकट्ठी होकर के नहीं आ पा रही है। फिर ये आक्रोश अपना धैर्य खो करके कहीं आक्रोश इस आंदोलन में न पलटे, लेकिन मैंने कहा कि अभी 3 दिन के अंदर आप इस व्यवस्था को ठीक करें। दूसरा विषय जो हमने आपको आपने हमसे मांगे प्रपोजल, उनका क्या होगा? सर उसके लिए आपको 25 लाख का सर्जरी करवा दी पर भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इस कुछ को कम करते हैं, तो वो चार पांच फैक्टर से और मेरे यहाँ पानी की वजह जब पानी पूरा है और ट्रिपिंग तो हो सकता है, बीच में एक आप आगे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, इसका कहीं कोई किसी का आपके पास सोल्यूशन उस थोड़ा आपने पानी सब जगह बराबर दिया।